अज़ुबिल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो टेस्ट के डिस्कशन की तरफ आ जाते हैं। जिस स्टूडेंट ने मैसेज किया था कि टेस्ट डिफ़िकल्ट है, उसको मैं एकेडमी में बताऊंगा कि टेस्ट कैसा था, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाए थे, रिजल्ट मैं अपलोड करूंगा थोड़ी देर में। ये डिस्कशन की वीडियो आप जल्दी से देख लें। स्टॉइकोमेट्री इज़ एनालिसिस ऑफ क्वान्टिटेटिव क्वालिटेटिव बोथ ही। तो ये मैंने एनालिटिकल में बताया था आपको कि स्टॉइकोमेट्री जो है ना वो क्वांटिटेटिव है, ठीक है। एनालिटिकल जो है ना वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव है, स्टॉइकोमेट्री जो है ना वो क्वांटिटेटिव है, ठीक है। यहाँ पे विच वन कंटेन वन मोल, तो ये सिंपल बात है कि वन मोल में क्या पॉसिबल है। तो आपने जहन में ये रखना है कि वन मोल जहाँ पे आप देखें तो आपने किसी भी एलिमेंट का मोलर मास लगाना है और उस मोल में तकरीबन 22.4 डीएम क्यूब का वॉल्यूम होगा और उसमें पार्टिकल जो है ना वो 0.23 × 10³ पार्टिकल किसी भी एलिमेंट का होंगे। तो ऑल ऑफ दीज इज़ करेक्ट। हाउ मेनी मोल आर देयर इन 180 ग्राम ऑफ अ ग्लूकोज। तो यहाँ पे सिंपल आपने लगाना है कि ग्लूकोज जो है ना C6H12O6, उसका मोलर मास निकालना है, उससे आपसे 180 आ जाएगा। तो यहाँ पे वन मोल, लेकिन ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे मोल का यूनिट नहीं, आपने उसका सैंपल लगाना है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। प्रोडक्ट इज़ कंट्रोल बाई, ये सिंपल एमसीक्यू से, प्रोडक्ट जो है ना वो हमेशा कंट्रोल करता है लिमिटिंग रिएजेंट का। ऑप्शन बी ए इज़ करेक्ट। विच वन इज़ करेक्ट फॉर अ मोलर। तो यहाँ पे मोल जो है ना, मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे भी मोल आपको नजर आए तो वो मोलर मास और उसका जो वॉल्यूम होगा 22.4, उसमें जो पार्टिकल होगा वो एन ए। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दिस इज़ करेक्ट। विच वन इज़ लिमिटिंग रिएजेंट, यहाँ पे तो लिमिटिंग रिएजेंट है भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस रिएक्शन है और साथ साथ रिवर्सेबल भी है। तो ये मैंने आपको बताया था कि जो रिवर्सेबल और बैलेंस होगा उसमें लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा। 7 मोल ऑफ NH3 कंटेन, ये थोड़ा कंसेप्चुअल एमसीक्यू से। देखो आपने NH3 को ले लिया तो उसमें तकरीबन 3 बॉन्ड है NH3, तो ये 1 मोल में है। अगर आप 7 मोल को ले ले तो 7 × 3 = 21 मोल ऑफ बॉन्ड। यहाँ पे 7 = 21 मोल ऑफ एटम, क्यों सही नहीं है, क्योंकि अगर आप एटम की क्लासिफिकेशन करें तो वो एन ए में चला जाता है, तो वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड का ऑप्शन इसलिए जैसे रंग है क्योंकि यहाँ पे एटम के अंदर बात हो रही है और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ना वो मॉलिक्यूल में बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज करेक्ट, 21 मोल ऑफ बॉन्ड। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो विच वन इज़ अ आयन, तो आयन सिंपल बात है कि जिस पे चार्ज हो वो क्या है, आयन है। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट बोलते हैं भी। हाउ मेनी मोल आर देयर इन 8 ग्राम ऑफ एसोटो, तो एसोटो में कितने मतलब क्या है मोल है 8 ग्राम में। तो सिंपल आपने मोलर मास लगाना है 32 × 32 = 64, तो 64 मोल में 1 ग्राम 1 मोल और 8 ग्राम में कितना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपसे आ जाएगा 1/8 मोल, लेकिन आपने लगाना है ए ऑप्शन क्योंकि यहाँ पे क्या है सैंपल है। अच्छा, हाउ मेनी एटम इन 2 मोल ऑफ वाटर, ये थोड़ा कंसेप्चुअल है, 2001 में आया था कि हाउ मेनी एटम, यहाँ पे मॉलिक्यूल नहीं मांग गए, तो एक वाटर मॉलिक्यूल में 3 एटम है। तो आपने जहन में 3 मतलब बिठाना है, बाद में इसने आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 1 मोल में 6.023 × 10³³, तो 2 मोल में 2 Na। अब 1 Na में तकरीबन 3 एटम है, तो 3 × 2 = 6 Na, तो यहाँ पे ए ऑप्शन इज करेक्ट। नीचे वाले में हाउ मेनी ए मॉलिक्यूल इन 2 मोल ऑफ वाटर, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल मांगा है सिंपल, 1 मोल में एन ए, तो 2 मोल में 2 Na, यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। स्टॉइकोमेट्री मीन्स, थोड़ा कंसेप्चुअल है स्टॉइकोमेट्री मीन्स, यहाँ पे स्टूडेंट ने ऑल ऑफ दिस लगाया है, लेकिन यहाँ पे है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि स्टॉइकोमेट्री का लफ्ज़ी मानी है एलिमेंट। यूनिट ऑफ मोल, ये एमसीक्यू से टोटली रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे यूनिट ऑफ मोल, मोल तो खुद एक यूनिट है, तो उसका यूनिट कैसे पॉसिबल है। बहुत से सारे स्टूडेंट ने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिखा है, लेकिन ये 100% गलत है, ये एमसीक्यू 2016 में आया था, इसमें नॉन ऑफ दिस लगाया जाता है, ठीक है। अच्छा, विच वन इज़ करेक्ट, एफिशिएंसी का फॉर्मूला करेक्ट है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, बाकी जो है ना वो रॉन्ग है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला है आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें तो विच वन इज़ कंज्यूम एयरली, कौन सा जो है ना वो पहले ख़त्म हो जाता है, लिमिटिंग रिएजेंट रिएक्शन में वो सब्सटेंस जो पहले कंज्यूम हो जाए उसको लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, मोल पर डीएम क्यूब, लेकिन मोल का आपने यूनिट लगाना है, सैंपल लगाना है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। विच वन इज़ मोर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, ये थोड़ा मतलब लेंथी है, न्यूमेरिकल की टाइप का है। तो यहाँ पर आपने सिंपल मोलर मास ज़रबे नंबर ऑफ एटम डिवाइड बाई एटॉमिक मास ज़रबे नंबर ऑफ एटम डिवाइड बाई मोलर मास ज़रबे 100, इस पे करना है, जिसका ज़्यादा आ जाए उसको आपने टिक लगाना है। हाइड्रोजन इज एन, ये मैंने आपको बताया था कि जो भी सब्सटेंस एलिमेंट्री मॉलिक्यूल की फॉर्म में हो, सेम एटम से बना हो, इसको हम एलिमेंट कंसिडर करेंगे, बी ऑप्शन। अगर किसी चीज़ का सिंबल दिया हो एच इज एन, यहाँ पे ये वाला ये, तो यहाँ पे एच इज एन एटम, ये आपको सिंबल दिया गया है तो आपने एटम लगाना है। इसको अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है ना वो हाइड्रोजन इज एन, यहाँ पे मैंने अल्फाबेटिक ऑर्डर में दिया है, तो आपने यहाँ पे एटम लगाना है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहाँ पे अगर आप देखें तो हाउ मेनी क्वार्क आर प्रेजेंट,
तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि मैंने आपको लेटेस्ट लेक्चर में बताया था कि दुनिया में 6 क्वार है, ठीक है। अब नीचे की तरफ आ जाते हैं कि ये जो इफ़ परसेंटेज ऑफ बी इज़ ए इज़ 20 एंड बी इज़ 40 देन सी परसेंटेज विल बी, तो आपने सिंपल ए प्लस बी करना है और 20 जमा 40 60 हो तो उसने आपको 100 से मनफी करना है, तो कितना जाता है 40%, तो ऑप्शन ए इसका है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आ जाते हैं कि विच वन इज़ ऑक्टाएटॉमिक। ऑक्टाएटॉमिक का मतलब ये है कि 8 बॉन्ड बना सकता है, तो ये सिंपल सी बात है कि सल्फर जो है ना इसमें ये करेक्ट है, क्योंकि सल्फर जो है ना 6 ग्रुप से ताल्लुक रखता है, तो ये 2 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन अगर आप सब सुपर सेचुरेटेड कंपाउंड इसका ले लें तो ये 8 बॉन्ड भी बना सकता है। एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन कंट्रोल बाई परसेंटेज यील्ड, क्योंकि परसेंटेज यील्ड का फार्मूला और एफिशिएंसी का फार्मूला दोनों सेम है। स्टैटिस्टिकल एरर आल्सो कॉल्ड एज अ रैंडम एरर, ये मैंने आपको उस लेक्चर में बताया था कि स्टैटिस्टिकल एरर जो है ना वो दूसरा नाम है किस चीज़ का, रैंडम एरर का। विच वन इज़ प्योर, अब यहाँ पे ये जो एमसीक्यूज़ है ना ये टेस्ट से मैंने काबी किया हुआ है। यहाँ पे स्टील जो है ना ये तो एलॉय है, मतलब जिंक और आयरन या फॉर एग्जांपल कार्बन से बना है। वाटर जो है ना ये इम्प्योर है, वाटर का यहाँ पे जो है ना वो इम्प्योर की अलामत है, बना तो H2O से है लेकिन ये इम्प्योर यहाँ पे इशारा है। यहाँ पे NH3 का रेट है, NH3 ये कंपाउंड है, प्योर सब्सटेंस है, एयर जो है ना वो मिक्सचर है। हाउ मेनी मोल आर देयर इन 98 ग्राम ऑफ H2SO4, तो 98 ग्राम में जो है ना वो 1 मोल आ जाता है, आपने मोलर मास फाइंड आउट करना है, उसके साथ कंपेयर करना है। एक्टिव मास आल्सो नाउ एज, एक्टिव मास जो है ना वो उस मास को कहते हैं जो रिएक्शन में हिस्सा लेता है, तो आपने देखा होगा कि एक्सेस जो है ना वो अनरिएक्टिव पॉसिबल है और ये लिमिटेड जो है ना वो खत्म हो जाता है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। यहाँ पर अगर आप देखें तो विच वन इज़ करेक्ट, तो लिमिटिंग प्रैक्टिकल इल जो है ना वो हमेशा कम होगा किस चीज़ से, थ्योरेटिकल से, और थ्योरेटिकल हमेशा ज़्यादा दिया, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, आल्सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। यहाँ पे मैंने एक ऑप्शन कम लगाया है लेकिन इसमें दोनों ऑप्शन सही है, ए भी सही है और बी भी सही है, ठीक है। रिजल्ट मैं अपलोड करूँगा थोड़ी देर बाद में।